अब हार्दिक के बदल जाएंगे हालात, दादा ने थाम लिया हार्दिक का हाथ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2022 के बाद उनकी काफी चर्चाएं हुई, उनकी कप्तानी की चर्चाएं हुई, बल्लेबाजी की चर्चाएं हुई, उनकी गेंदबाजी की चर्चाएं हुई और काफी लोग हार्दिक पांड्या की इस वक्त तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन हार्दिक ने आईपीएल में जिस तरीके से अपनी टीम को जिताया, जिस तरीके से गुजरात को पहली बार में चैंपियन बनाया, उसके बाद ये खबरें चलने लगी कि हार्दिक को कप्तान क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब हार्दिक को आयरलैंड दौरे पर कप्तान बना के टीम इंडिया भेज रही है। जाहिर तौर पर हार्दिक पांड्या के लिए सीरीज बेहद जरूरी है, इस सीरीज को जीतना बेहद जरूरी है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर बीसीसीआई की नजर होगी, सेलेक्टर्स खुद हार्दिक पांड्या के साथ जा रहे हैं उन पर पैनी नजर रखने के लिए। लेकिन अब एक और साथ हार्दिक को मिल गया है, वो है दादा का। जी हाँ, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को लेकर पहले एक खबरें थी कि वो इंग्लैंड जाएंगे। जो भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा, मतलब जो पिछली बार सीरीज अधूरी रह गई थी, उसको जो अंतिम टेस्ट मैच है वो खेला जाएगा। खबरें थी कि दादा उस मैच में अवेलेबल रहेंगे, लेकिन दादा ने इंग्लैंड सीरीज से ज्यादा हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली सीरीज को अहमियत दी। और अब खबर है कि जो 26 तारीख से सीरीज शुरू हो रही है भारत और आयरलैंड की, जिसमें हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे, दादा उसके पहले मैच में वहां आपको भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए नजर आएंगे। और इस खबर के कई संकेत हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने ये हैं कि दादा ये देखना चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से कप्तानी करते हैं, दादा अपनी आंखों से ये देखना चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या के फैसले कैसे रहते हैं और उसके आधार पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी का भविष्य तय किया जाएगा, उसके आधार पर हार्दिक पांड्या का आने वाला भविष्य तय होगा और ये पता चलेगा कि रोहित शर्मा के बाद जिस T20 और वनडे का कप्तान टीम इंडिया खोज रही है, क्या वो हार्दिक पांड्या के रूप में टीम इंडिया को मिल सकता है। क्योंकि इस वक्त अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की हम बात करें, खासतौर पर T20 की, तो 3 खिलाड़ी लाइन में लगे हुए हैं जिन्हें टीम इंडिया लगातार आजमा रही है। उसमें केएल राहुल है, उसमें ऋषभ पंत है और उसमें हार्दिक पांड्या है। इन 3 खिलाड़ियों को लगातार आजमाया जा रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या की काबिलियत को देखकर बीसीसीआई उन पर ज्यादा भरोसा करने की बात सोच रही है, उन पर ज्यादा भरोसा करने का मन बना रही है। और इसी बात को सोचते हुए, देखते हुए, दादा अब इंग्लैंड की बजाय आयरलैंड जाएंगे, वहां पर हार्दिक पांड्या की मदद करेंगे, उनकी कप्तानी में उन्हें बेहतर तरीके के टिप्स देंगे, उन्हें देखेंगे। करीब से देखने के बाद जब हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर नजर गड़ाएंगे तो पता चलेगा कि हार्दिक कितने बेहतर कप्तान टीम इंडिया के लिए साबित हो सकते हैं और उसके बाद फिर टीम इंडिया अंतिम फैसला लेगी। तो आपका दादा के इस फैसले पर, जिस तरीके से दादा आयरलैंड जा रहे हैं हार्दिक पांड्या की मदद करने के लिए, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि रोहित के बाद हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कैप्टन के तौर पर बेहतर विकल्प है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।